Good morning everyone. Today in this video of class 6th chemistry, we'll be studying about chapter changes around us. We'll be dealing with topic chemical reaction, their relation with chemical changes, reactant, product and questions related with physical and chemical changes. So let's start with the term chemical reaction. What is chemical reaction? Chemical reaction kya hota hai? तो अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस. ओरिजिनल सब्सटेंस, कोई भी ओरिजिनल सब्सटेंस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है. रिएक्ट करके कौन सा सब्सटेंस बनाता है? नया सब्सटेंस बनाता है. जो सब्सटेंस ओरिजिनल सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट. और जो नया सब्सटेंस बनता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. ठीक है, अगर आपसे कोई केमिकल रिएक्शन पूछे तो क्या बोलोगे केमिकल रिएक्शन को? केमिकल रिएक्शन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी दो या कोई भी ओरिजिनल सब्सटेंस, कोई एक ओरिजिनल सब्सटेंस रिएक्ट करता है और कोई एक नया सब्सटेंस बनाता है. अभी ओरिजिनल सब्सटेंस कौन सा है? ओरिजिनल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिनल सब्सटेंस को रिएक्टेंट बोलते हैं. और नया सब्सटेंस जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं. अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना कि अ केमिकल चेंजेस ऑलवेज अकर्स व्हेन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम. तो केमिकल रिएक्शन किससे रिलेटेड है? आपका केमिकल चेंजेस से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? केमिकल चेंजेस से रिलेटेड है. केमिकल चेंज हमेशा तब होता है, कब होता है केमिकल चेंज? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है सब्सटेंसेस के बीच में, ठीक है. तो केमिकल रिएक्शन किससे रिलेटेड है आपका? केमिकल चेंज से. नाउ एज वी नो केमिकल चेंजेस आर मोस्टली इरिवर्सिबल एंड परमानेंट, सो आर द केमिकल रिएक्शन. अब हम लोग को पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केमिकल चेंजेस जो हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि जिनको हम लोग वापस रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है. और इरिवर्सिबल है तो परमानेंट है. तो अगर केमिकल चेंज परमानेंट है तो केमिकल रिएक्शन भी मोस्टली परमानेंट होते हैं. सभी केमिकल रिएक्शन परमानेंट नहीं होते हैं, मोस्टली केमिकल रिएक्शन परमानेंट होते हैं, ठीक है. अब देखो, अब जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि केमिकल चेंज हमेशा किसके साथ रिएक्ट, केमिकल चेंज के साथ कौन सा आता है? केमिकल रिएक्शन. या केमिकल रिएक्शन कैसा रिएक्शन या कैसा चेंज है? एक केमिकल चेंज है, यानी परमानेंट चेंज है, जिसे हम लोग वापस नहीं कर सकते हैं. देखो अब केमिकल चेंज का एग्जांपल हमारे पास क्या क्या है. रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जिसके पास साइनी अपीयरेंस है, रस्ट किया तो रेड कलर का रस्ट होता है आपके पास. आपने घर के बाहर कभी देखा होगा आयरन आर्टिकल को, अगर हम लोग बाहर फील्ड में ऐसे ओपन में रख दें तो मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस में वो आयरन आर्टिकल के ऊपर एक रेड कलर का लेयर डिपॉजिट होता है, ठीक है. वो लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्ट. क्या बोलते हैं? रस्ट. और इसके चलते, रस्ट के चलते क्या होता है? साइन डिसअपीयर कर जाता है, साइन हट जाता है. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उस रस्ट को हम लोग वापस आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो. रस्ट को कर सकते हैं वापस आयरन में? नहीं. जितना आयरन रस्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट आयरन हैज़ बीन वेस्टेड, वो आयरन बर्बाद हो गया है. वो आयरन को फिर से हम लोग, वेस्टेड आयरन जो रस्ट में कन्वर्ट हो गया, वो रस्ट को फिर से आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. तो अगर किसी भी चीज़ को हम लोग वापस उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो वो कैसा चेंज हो जाएगा? केमिकल चेंज. और केमिकल चेंज कब होता है? जब केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि इस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है. क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि केमिकल चेंज किसके साथ होता है? केमिकल रिएक्शन के साथ में होता है, ठीक है. तो ये कन्वर्जन ऑफ आयरन से आयरन का रस्ट बनना एक कैसा चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया, ठीक है. नेक्स्ट देते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर. पेपर इनिशियली सॉलिड है, बर्न किए तो ऐश में कन्वर्ट हो गया. ऐश क्या होता है? पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है. ऐश पाउडर्ड फॉर्म में होता है. अब आप खुद बताओ, ऐश को आप फिर से पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? आई थिंक योर आंसर विल बी नो. ऐश को आप पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. तो जब आप किसी भी चीज़ को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो तो वो कैसा चेंज होता है?
केमिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंज किसके साथ होता है, केमिकल रिएक्शन के साथ होता है। तो ये सब क्या हुआ, एक टाइप का केमिकल चेंज है, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल और परमानेंट होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन भी मोस्टली, सब नहीं, मोस्टली इरिवर्सिबल और परमानेंट होता है। कुछ चेंजेस रिवर्सिबल भी होते हैं, कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल भी होता है, इसीलिए हम लोगों को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मोस्टली इरिवर्सिबल एंड परमानेंट, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो विल बी स्टडिंग अबाउट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म रिएक्टेंट। द ओरिजिनल सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, जिसके चलते रिएक्शन स्टार्ट होता है, जिसके चलते रिएक्शन उसका शुरुआत होता है, जो रिएक्शन में भाग लेता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जैसे हम एक एग्जांपल ले, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी बनने के प्रोसेस में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों एक दूसरे से मिलता है या मिक्स करता है या रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, वाटर बनता है। तो क्या बिना ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये वाटर बन जाएगा? योर आंसर विल बी नो, ये नहीं बनेगा। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ज़रूरत है इसका, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये वाटर बनने के लिए। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो क्या होगा, ये रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट। नेक्स्ट है, द न्यू सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म ड्यूरिंग और आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और नया सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान या फिर केमिकल रिएक्शन के बाद बने, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। तो ये दोनों के रिएक्ट करने के बाद कौन सा बन रहा है, वाटर। वाटर क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक ट्रिक हम आपको बताते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचानने के लिए। ये जो एरो है आपका, एरो हेड, ये एरो हेड के बगल में जो होता है, जस्ट बिसाइड एरो हेड, ये आपका प्रोडक्ट होता है, और एरो हेड के उल्टा में, बैक में जो होता है, वो आपका रिएक्टेंट होता है। एरो से पहले रिएक्टेंट और एरो के बाद में प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन हैज़ प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जो कि रिएक्शन के बाद बनता है, उनका प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होता है, कैसे वो देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर के एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, गैस है। जब एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वाटर। वो क्या है, लिक्विड है। तो क्या गैस और लिक्विड का प्रॉपर्टीज एक जैसे होते हैं, योर आंसर विल बी नो, नहीं होते ना गैस और लिक्विड दोनों का प्रॉपर्टीज एक जैसे, आंसर इज नो, ये दोनों का प्रॉपर्टीज एक जैसे नहीं होते हैं। अब एक और इसमें से हम बोलते हैं, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करते हैं, कंबशन में हेल्प करता है, लेकिन वाटर क्या करता है, आग को बुझाने में मदद करता है। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन और वाटर दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, आंसर इज नो, नहीं है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना आप हमेशा, कि प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, कर्डिंग और सारिंग ऑफ मिल्क। मिल्क जो कि इनिशियली स्वीट होता है, कर्डिंग के बाद, कर्ड में कन्वर्ट होने के बाद सार हो जाता है, ठीक है। मिल्क जो स्वीट था वो अब सार हो जाता है, तो क्या हुआ, इसका प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। एक कर्ड को फिर से हम स्वीट मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो क्या हुआ, ऐसा रिएक्शन हुआ जिसमें प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से अलग हो गया, हुआ ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा, कि प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अब देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर्स, एक्सप्लेन। जब कैंडल बर्न करता है तो बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है, कि व्हेन अ कैंडल बर्न्स हीट ऑफ फ्लेम मेल्ट्स द वैक्स व्हिच इज अ फिजिकल चेंज। अब इनिशियली कैंडल वैक्स से बना हुआ है, वैक्स किस स्टेट में है, सॉलिड में। जब हीट होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट करता है, तो सॉलिड से किस स्टेट में आया, लिक्विड स्टेट में। फिर वो वैक्स को हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो ये कैसा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। ऑल्सो मेल्टेड वैक्स ड्रिप्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग व्हिच इज अ फिजिकल चेंज।
और मेल्टेड वैक्स जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखते हो कि बर्निंग कैंडल के बेस में नीचे में धीरे धीरे ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप मेल्टेड कैंडल का जो होता है वो आके जमा होता है और धीरे धीरे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि अगेन वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देते हैं, बट इट इज़ नॉट सॉलिड और लिक्विड दैट टेक पार्ट्स इन बर्निंग। ये सॉलिड या लिक्विड कैंडल नहीं है जो बर्निंग में होता है, ये वेपर फॉर्म में बर्न करता है, वैक्स का वेपर जो होता है वो बर्न करता है। ठीक है, अब एक बार बर्न कर गया तो उसे वापस तो नहीं ला सकते हम लोग। जब कोई भी चीज़ को हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, वो कैसा रिएक्शन है या कैसा चेंज है? वो एक केमिकल चेंज है। ठीक है, अब हम लोग बोल सकते हैं कि वैक्स बहुत फिजिकल और केमिकल चेंज शो करता है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग और सॉलिडिफिकेशन फिजिकल चेंज है, लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स पेपर एक केमिकल चेंज है। ठीक है, दैट्स ऑल ऑन दिस पार्ट ऑफ वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।